हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज शो नरेंद्र पे। इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ दोस्तों, अगर आप एक नया ग्राफिक कार्ड लेके आते हैं आपके कंप्यूटर के लिए और आपके कंप्यूटर में कुछ समस्या आ जाती है, फॉर एग्जाम्पल जब आप गेम स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका कंप्यूटर शट डाउन हो रहा है, या फिर आपके कंप्यूटर में जब आप कोई भी टास्क ओपन कर रहे हैं कोई सॉफ्टवेयर तो ब्लू स्क्रीन आ रही है और कंप्यूटर रिस्टार्ट हो रहा है, ऐसी कोई भी अगर समस्या आती है अगर आप एक नया GPU लेके आते हैं तो इस समस्या क्या समाधान है और इसको समाधान क्या हल है। तो सबसे पहले आपको पता, हमने दो दिन पहले दोस्तों एक ग्राफिक कार्ड लेके आए थे GTX 1060 3GB का। उसको लगाने बाद हमारे कंप्यूटर कुछ समस्या आई है, जैसे कि ब्लू स्क्रीन आ रही है और कंप्यूटर गेम ऑन करने में बंद हो रहा है। मैं जानता हूँ दोस्तों ये पावर सप्लाई की कमी के कारण हो रहा है, लेकिन जब हमने ग्राफिक कार्ड लिया था तो दोस्तों मैं सब कुछ कैलकुलेट कर लिया था और मेरे अकॉर्डिंग ये पावर सप्लाई थी मेरे पास जो 450 वोल्ट थी ये पर्याप्त थी, लेकिन फिर भी इसका पावर कम पड़ रहा है। तो अब क्या समाधान है? एक समाधान तो ये है, एक हम नई पावर सप्लाई खरीदे जो 6000 तक की आएगी। अभी यार कौन बार बार पैसे लगाएगा लेके आ गए, ठीक है। तो अभी देखिए दोस्तों, जो ये ग्राफिक कार्ड था GTX 1060, इसको 400 वॉट की पावर सप्लाई की आवश्यकता थी, लेकिन वो जरूरी नहीं दोस्तों जो मेरी पावर सप्लाई है वो 400 वॉट तक भी प्रोवाइड कर पा रही नहीं कर पा रही है। लिख तो 450 लिख रखा है लेकिन जरूरी नहीं इतना पावर ही दे पाए। तो दोस्तों फाइनली मैंने क्या किया, जो पावर मैंने जब कैलकुलेट किया था दोस्तों सब कुछ मिला के, तो मेरा जो पावर हुआ था 423 वॉट का। इनमें सब कुछ कैलकुलेट कर लिया, ग्राफिक कार्ड वगैरह पर इतना कैलकुलेट हुआ था, जबकि मेरे पावर सप्लाई 450 वॉट की है, ठीक है। तो फिर मैंने जो मेरा ग्राफिक कार्ड चल नहीं रहा था, मतलब कंप्यूटर शट डाउन हो रहा था, ओवरलोड भी हो रहा था हमारा UPS भी, ठीक है। तो मैंने दो सॉल्यूशन किए दोस्तों। पहला सॉल्यूशन ये कि अगर आपके पावर सप्लाई 450 वॉट की और आपका जो ग्राफिक कार्ड नहीं चल रहा है, मतलब GTX 1060 नहीं चल रहा है और अभी आप हाल फिलहाल पावर सप्लाई नहीं लेना चाहते, तो मैंने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा DVD राइटर है उसको निकाल दिया, वो 30 वॉट का पावर लेता है। उसको लेने के बाद में हमने एक और काम किया, जो हमारे दो फैन होते हैं दोस्तों हमारे कैबिनेट के मोलेक्स के जुड़े होते हैं SMM के, तो हमने दो फैन को भी डिसेबल कर लिया हाल फिलहाल के, क्योंकि आपको पता है अभी जो मौसम ठंडा है और हमारा कंप्यूटर तो गर्म नहीं होता है। तो 30+5 कितने 8 वॉट के वो फैन हो गए, तो 38 वॉट हमने डिसेबल किया पावर। तब हमने शुरू से कैलकुलेट किया था जो हमारा पावर हो रहा था 390 हो रहा था, ठीक है। तो अभी हमारा जो नया ग्राफिक कार्ड है 1060 वो ठीक ठाक चल रहा है, अभी हमको पावर पर्याप्त मिल रहा है। और दोस्तों एक और मैंने काम किया, जो हमारे UPS है उसका भी, जो उसमें जो हमारा 360 वॉट का ही है UPS, तो हमने एक काम किया, उसके जो हमारा मॉनिटर है इसको प्लग UPS निकाल से मेन बोर्ड में कनेक्ट कर लिया है, तो UPS का पावर भी हमारे लिए पर्याप्त है और इसका पावर सप्लाई पावर अभी तक तो पर्याप्त है। लगे अगर हम कुछ भी और अपग्रेड करेंगे, जैसे कुछ और भी लगाना है हार्डवेयर, तो अब नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास पावर इनफ ही नहीं है। अगर हमें अभी कुछ भी करना है दोस्तों, कम से कम 650 वॉट की पावर सप्लाई लेनी ही पड़ेगी। तो दोस्तों अगर आप भी एक ऐसा कंप्यूटर बिल्ड करते हैं जो भविष्य में अपग्रेड करना चाहते हैं, तो आपको एक महंगी पावर सप्लाई पैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, लगभग 650 वॉट या 550 तो नॉर्मल दोस्तों, 650 वॉट आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे कि अभी हम आने वाले समय में लेंगे दोस्तों, अभी तो हम नहीं लेने वाले हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, यही बताया दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में कुछ इस वीडियो में दोस्तों मैंने आपको ये जानकारी दी दोस्तों, अगर आपके कंप्यूटर में नया ग्राफिक कार्ड लगाने के बाद में आपके कंप्यूटर पावर शट डाउन हो जाता तो पावर की कमी है। आप ऐसा नहीं कि आपने जो पावर कैलकुलेट किया वो सही हो, ऐसा नहीं है दोस्तों। जब कंप्यूटर हम शुरू में ऑन करते हैं ना, तो सबके जब जो कंपोनेंट होते हैं ना वो एक साथ पावर खींचते हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, आपका वेबकैम है, सभी एक साथ पावर लेते हैं, उस वक्त आपका पावर लोड फेल हो जाता है। और जब हम गेम खेलते हैं, गेम और वीडियो एडिटिंग करते हैं, उस वक्त आपका जो ग्राफिक कार्ड है फुल लोड पे होता है और वो फुल पावर खींचता है, उस समय भी आपका कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है। तो दोस्तों अगर आपके सामने ऐसी समस्या आ रही तो परेशान मत होइए, बस आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको कुछ DVD राइटर वगैरह का कुछ फालतू चीज़ है उनको डिस्कनेक्ट कर लीजिए, फिर भी सही नहीं हो रहा था एक नई पावर सप्लाई लगाइए आपके कैबिनेट के अंदर। दोस्तों अगर आपकी वीडियो पसंद है इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।